Assalamu alaikum. Welcome to the term project presentation of deep learning on the topic sentiment analysis for Roman Urdu reviews. This is the outline. सबसे पहले हम introduction देखेंगे, उसके बाद literature reviews, system framework, फिर results को थोड़ा सा discuss करके तो इस presentation को conclude करेंगे. अगर हम ये देखें कि product reviews क्यों important हैं, तो ये जो product reviews हैं ये vendor और customer के दरमियान trust को increase करते हैं, और secondly ये किसी भी business की या किसी भी service की जो reputation है उसको इंक्रीज़ करते हैं. उसके अलावा यही रिव्यूज़ जो हैं ये सेल्स इंक्रीज़ करने का बायस भी बनते हैं, क्योंकि जो यूज़र्स हैं वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को एक्वायर करने से पहले, उसके बारे में डिसीजन लेने से पहले, उस प्रोडक्ट के जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं उनकी ओपिनियन को जानने के लिए रिव्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. सेकेंडली इन्हीं रिव्यूज़ की वजह से जो प्रोडक्ट्स की डिस्कवरेबिलिटी है अक्रॉस द प्लेटफॉर्म वो भी बढ़ जाती है. इसके अलावा पिछले कुछ टाइम में और ख़ासतौर पे पेंडेमिक की वजह से जो शॉपिंग के ट्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, और इसी तरह से जो रिव्यूज़ हैं उनकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई है, क्योंकि इन्हीं रिव्यूज़ के ज़रिए से जो कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट की या तो अप्रिसिएशन करते हैं या उनमें जो डेफिशिएंसीज होती हैं, शॉर्टकमिंग्स होती हैं, उनको हाईलाइट करते हैं. इसके अलावा प्रोडक्ट के रेलिवेंट जो इंप्रूवमेंट सजेशंस होती हैं वो भी यूज़र्स इन्हीं रिव्यूज़ के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. इसके अलावा इन्हीं रिव्यूज़ के थ्रू दूसरे यूज़र्स अपना माइंड बनाते हैं कि उन्हें कोई प्रोडक्ट चूज़ करनी चाहिए या किसी और अल्टरनेट के साथ जाना चाहिए. इन्हीं रिव्यूज़ को अथॉरिटीज़ भी इस्तेमाल करती हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकें. तो अब जबकि रिव्यूज़ की इंपॉर्टेंस इस्टेब्लिश्ड है, तो हम पहले सेंटिमेंट एनालिसिस को देख लें. इसके फॉर्मल डेफिनेशन के बजाय मैं जो सेकंड बुलेट पॉइंट है उसको रीड करूंगा कि सेंटिमेंट एनालिसिस ये ओपिनियन माइनिंग एक ऐसी एनएलपी टेक्निक है जिसके थ्रू हम पता चला सकते हैं कि जो डेटा है, जो टेक्स्ट हमारे पास है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या वो न्यूट्रल है. इसी के अगर हम एग्जांपल देखें तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले एक रिव्यू आ रहा है, आईफोन 6 किसी काम का नहीं है, अपने पैसे ज़ाया नहीं करो, तो इसका जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है. इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट रिव्यू पढूं, आला सॉन्ग यार दिस इज़ अ पॉजिटिव रिव्यू, और इसी तरह अकेला वज़ीर आज़म करोड़ों अरबों की करप्शन तो कर सकता है, ये भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट है. तो चूंकि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी सेंटिमेंट्स का आइडिया होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि सेंटिमेंट एनालिसिस करते क्यों हैं. सेंटिमेंट एनालिसिस के थ्रू बेसिकली जो यूज़र के रिव्यूज़ होते हैं उनसे डिफरेंट तरह की जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट की जा सकती है. तो सेंटिमेंट एनालिसिस का फ़ायदा तो हमें पता चल गया, लेकिन सेंटिमेंट एनालिसिस वो भी रोमन उर्दू में स्पेसिफ़िकली हम क्यों कर रहे हैं. इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में स्पेसिफ़िकली लोग रोमन उर्दू स्क्रिप्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको इस्तेमाल करते हुए लिखना ज़्यादा आसान होता है जो ऑलरेडी अवेलेबल डिवाइसेज होती हैं. इसी तरह लोगों के लिए इस स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए अपनी ओपिनियन कन्वे करना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज कंस्ट्रेंट्स. तो अब जबकि हमें पता चल चुका है कि सेंटिमेंट एनालिसिस और स्पेसिफिकली रोमन उर्दू में सेंटिमेंट एनालिसिस हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर हम क्विकली इसकी कुछ एप्लीकेशंस देख सकें, सबसे पहले सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है, तो उसको फ़िल्टर करना और उसमें से अपने काम की पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फॉर्मेशन निकालना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इसी तरह कस्टमर सपोर्ट और फीडबैक में भी सेंटिमेंट एनालिसिस अप्लाई होता है, और उसके थ्रू जो क्रिटिकल ओपिनियंस हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है. रिव्यूज़ के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट की जो वर्थ है उसको एनालिसिस करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है. तो ये थी रोमन उर्दू सेंटिमेंट एनालिसिस की कुछ एप्लीकेशन. अब अगर हम देखें कि रोमन उर्दू सेंटिमेंट एनालिसिस परफॉर्म करने में क्या क्या चैलेंजेस पेश आते हैं, तो सबसे पहला चैलेंज जो हमें फेस करना पड़ता है वो ये है कि रोमन उर्दू रिव्यूज़ डेटा सेट कोई भी लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, और इसके अलावा चूंकि रोमन उर्दू में कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज रूल्स नहीं है रोमन उर्दू को इस्तेमाल करते हुए लिखने के लिए, तो इस वजह से उसमें करेक्टर लेवल वेरिएशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, क्योंकि रूल्स ना होने की वजह से हर इंसान डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट तरह से इस्तेमाल करता है. इसके अलावा ये कुछ रीसेंट स्टडीज़ शो की हैं इन स्लाइड्स में कि डिफरेंट पेपर्स में कौन कौन सी मेथडोलॉजी ऑप्ट की गई, क्या डेटा सेट यूज़ किया गया और उन्होंने क्या रिजल्ट्स अचीव किए. इसके बाद अगर मैं सिस्टम फ्रेमवर्क डिस्कस कर सकूं जिसको इस स्टडी में फॉलो किया गया, तो डेटा सेट को क्लीन करने के बाद सबसे पहला काम जो हम करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो ये कि किसी तरह से रोमन उर्दू स्क्रिप्ट की जो करेक्टर लेवल वेरिएशंस हैं उनको कम किया जाए. तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की हैं जो कि नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा. तो इस करेक्टर लेवल वेरिएशन को मिनिमाइज़ करने के बाद जो अगला काम हमें करना था वो इस टेक्सचुअल डेटा को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में चेंज करना था. तो इसके लिए भी डिफरेंट तरह की टेक्निक्स ऑप्ट की गई हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं. और जब हमारे पास डेटा मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम उसके ऊपर डिफरेंट मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल्स अप्लाई करेंगे और उनके थ्रू हम रिजल्ट्स अचीव करेंगे. अगर मैं आपको दिखाऊं कि लेक्सिकल नॉर्मलाइजेशन या जो
ये जो कैरेक्टर लेवल वेरिएशन थी उसको डील करने के लिए हमने क्या मेथोडोलॉजी ऑप्ट की। तो सबसे पहले हमने वर्ड रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट किया। इस वर्ड रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का जो गोल था वो यही था कि जो एक ही वर्ड को डिफरेंट तरह से लिखने का तरीका है उस सबको इकट्ठे करके तो उनका सिर्फ एक ही वर्ड डेटा सेट में रखा जाए और उससे होगा ये कि एक वर्ड की जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और इसके अलावा एग्जिस्टिंग स्टडीज़ में इसी तरह की वेरिएशंस को डील करने के लिए डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक्स भी यूज़ की गई हैं। तो हमने भी इस वर्ड रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के साथ उन टेक्निक्स को भी यूज़ करते हुए एक्सपेरिमेंटेशन की है। तो जब हमारे पास हमारा ये जो डेटा है ये इनकोड या नॉर्मलाइज हो जाएगा तो हमने इस पे कुछ ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के साथ डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स जिसमें रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क LSTM और बाई डायरेक्शनल LSTM है इनको यूज़ किया। ये तो वो क्लासीफायर्स हैं, वो मॉडल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। लेकिन हमारे पास नॉर्मलाइजेशन और क्लासीफायर्स के दरमियान, यहाँ पे अगर आप देखें कि नॉर्मलाइजेशन और क्लासीफायर्स के दरमियान डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी एक स्टेप था। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ किए जिसमें दो टेक्निक्स काउंट वेक्टराइजर TF IDF वेक्टराइजर के अलावा हमने वर्ड टू वेक और फास्ट टेक्स्ट की जो एम्बेडिंग टेक्निक्स हैं जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं टेक्सुअल डेटा को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में चेंज करने के लिए, तो हमने ये चार टेक्निक्स यूज़ की हैं अपने डेटा को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो हमने डिफरेंट नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ की तो उनमें अगर आप ये देखें तो ये काउंट वेक्टराइजर के साथ जो एक्सपेरिमेंटेशन की इसमें हमने अपना नॉर्मलाइज्ड जो डेटा था जिसको हमने वर्ड रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के थ्रू अचीव किया था वो और जो डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक्स थी उनके रिजल्ट से निकाले और उनको जब कंपेयर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ऑरेंज लाइन है ये डोमिनेटिंग है और ऑरेंज लाइन हमारा ये जो नॉर्मलाइज रिव्यूज़ थे उनको रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह काउंट वेक्टराइजर के अलावा जब हमने TF IDF वेक्टराइजर अप्लाई किया तो उस पर भी हमारे ये जो नॉर्मलाइज्ड रिव्यूज़ थे इन्होंने बाकी जो इनकोडिंग टेक्निक्स थी उनको आउट परफॉर्म किया। तो अब जबकि हमारे पास ये बात ये कंक्लूजन आ चुकी थी कि ये जो हमारे नॉर्मलाइज्ड रिव्यूज़ हैं ये ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर इनकोडिंग टेक्निक्स, तो हमने इन्हीं नॉर्मलाइज्ड रिव्यूज़ को डीप लर्निंग मॉडल्स के लिए यूज़ किया। डीप लर्निंग मॉडल्स के लिए सबसे पहले हमें इन रिव्यूज़ को ट्रांसफॉर्म करना था एम्बेडिंग्स में। तो एम्बेडिंग्स के लिए हमने जो टेक्निक्स यूज़ किए वो वर्ड टू वेक की स्किपग्राम जो अप्रोच थी उसको यूज़ किया और उसके अलावा फास्ट टेक्स्ट जो एम्बेडिंग टेक्निक थी उसको इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे इन दोनों टेक्निक्स में जो फ़र्क है, जो मेजर डिफरेंस था वो ये था कि वर्ड टू वेक बेसिकली वर्ड लेवल पे रिप्रेजेंटेशन सीखती है जबकि जो फास्ट टेक्स्ट है ये उन्हीं वर्ड को डिफरेंट कैरेक्टर्स पे ब्रेक डाउन करके तो उनकी एम्बेडिंग्स को लर्न करते हैं इस टेक्निक में। तो इन दोनों एम्बेडिंग्स को हमने अपने डीप लर्निंग मॉडल्स में इंप्लीमेंट किया। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि RNN पे जब हमने वर्ड टू वेक की एम्बेडिंग्स को इनपुट किया RNN ने स्टार्ट में ही ओवरफिटिंग शो करना शुरू कर दी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास वैलिडेशन एक्यूरेसी थी वो ऑलमोस्ट 77-78% थी जबकि ट्रेनिंग पे वो 100% एक्यूरेसी अचीव कर रहा था। और अगर आप दूसरी साइड पे देखें कि ट्रेनिंग लॉस तो बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया लेकिन जो हमारा वैलिडेशन लॉस था वो विद द इंक्रीज नंबर ऑफ epochs ज़्यादा होता गया। तो वर्ड टू वेक के अलावा जब हमने सेम एक्सपेरिमेंट फास्ट टेक्स्ट के साथ भी किए तो फास्ट टेक्स्ट पे भी ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट्स अचीव हुए। तो चूंकि RNN के रिजल्ट्स कुछ इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे तो फिर जब हमने LSTM के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए तो आप देख सकते हैं कि LSTM पे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो 50 epochs के लिए किए गए और विद द इंक्रीज नंबर ऑफ epochs हमारे पास ट्रेनिंग और वैलिडेशन दोनों एक्यूरेसीज जो थी वो इंक्रीज़ हो रही थी। और इसी तरह अगर आप देखें कि हमारे पास जो लॉस थे वो भी मिनिमम से मिनिमम होते जा रहे थे। तो ये तो वर्ड टू वेक के लिए था। फास्ट टेक्स्ट पे जो रिजल्ट्स थे वो तो ऑलमोस्ट एक्यूरेसीज की टर्म में तो ऑलमोस्ट सिमिलर थे लेकिन जो इसमें नोटेबल चीज़ थी वो ये थी कि एक्यूरेसी और लॉस दोनों में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन थी जितना ज़्यादा हम epochs को बढ़ाते जा रहे थे। LSTM के बाद जब हमने बाई डायरेक्शनल के लिए एक्सपेरिमेंटेशन की हमने ये ऑब्जर्व किया कि तो जो लॉस था वो 35 epochs के बाद बढ़ना शुरू हो गया और एक्यूरेसी ट्रेनिंग और वैलिडेशन दोनों के लिए कम होना स्टार्ट। इससे ये बात क्लियर हो गई कि वर्ड टू वेक के लिए 35 epochs तक जितनी वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस अचीव कर सकता था मॉडल उसने कर ली लेकिन उसके बाद उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब होना शुरू हो गई। लेकिन जब हमने फास्ट टेक्स्ट एम्बेडिंग्स के ऊपर सेम इसी मॉडल को चलाया तो जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग थे। वो इस तरह से कि इवन आफ्टर 50 epochs हमारे मॉडल की जो एक्यूरेसी थी ट्रेनिंग और वैलिडेशन वो दोनों के लिए इम्प्रूव हो रही थी और जो लॉस था वो कंटिन्यूली
कम हो रहा था। तो ये तो चूंकि हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो ड्यू टू सम लिमिटेशंस सिर्फ 50 ईपॉक्स तक ही रखे थे, तो अगर आप देखें लॉस कंटिन्यूसली चूंकि कम हो रहा है, अगर हम और ज़्यादा ईपॉक्स करते तो और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव किए जा सकते थे। और यही हमारी कंक्लूजन थी कि अगर हम इसी बाईडायरेक्शनल LSTM को यूज़ करते हुए और ज़्यादा ईपॉक परफॉर्म करें तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो और बेहतर हो सकते हैं और जो मशीन लर्निंग क्लासीफायर्स थे हम उनको भी ओवरकम कर सकते हैं। और इसी तरह स्टार्टिंग स्लाइड्स पे जो मैंने आपको बताया कि जो प्री ट्रेन्ड मॉडल्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ वर्ड्स के ऊपर ट्रेन हुए होते हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि डेटा सेट उतना ज़्यादा नहीं था, तो अगर हम डेटा सेट को किसी तरह से इंक्रीज़ करके तो उसके ऊपर फास्ट टेक्स्ट एम्बेडिंग ट्रेन करें तो और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस हैं और इसी के साथ मैं इस प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करूँगा। थैंक यू।